एक व्यक्ति की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। बताया जा रहा है कि इस शख्स पर 4 साल की बच्ची से रेप का आरोप है। सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि आरोपी आप विधायक दिनेश मोहनिया का सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर अकरम खान है। ट्विटर यूजर आकाश आरएसएस, जो कि समय समय पर फर्जी जानकारियां फैलाने के लिए जाना जाता है, उसने भी ऐसा ही दावा करते हुए ट्वीट किया। ऑल्ट न्यूज ने इनविट टूल की मदद से वीडियो के फ्रेम्स की पड़ताल की तो हमें वन इंडिया हिंदी की एक रिपोर्ट मिली। वन इंडिया के अनुसार यह घटना दिल्ली के बापा नगर में हुई थी। हमने और ढूंढा तो इंडिया टुडे की रिपोर्ट में मालूम पड़ा कि 31 अगस्त को दिल्ली के बापा नगर में एक 4 साल की बच्ची के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया गया था। प्रसाद नगर थाने के SHO राम नारायण ने आज तक को बताया था कि दीपेश मुस्लिम समुदाय से नहीं है। यही वीडियो NDTV के पत्रकार मुकेश सिंह सेनगर ने भी ट्वीट किया था। इसमें भी इस व्यक्ति का नाम दीपेश ही बताया गया था। असल में दीपेश उस बच्ची के मोहल्ले में मौजूद एक फैक्ट्री में काम करता था। इंडिया टुडे से बात करते हुए पुलिस ने बताया था कि बच्ची खेलते खेलते अक्सर फैक्ट्री तक पहुंच जाती थी। वहीं आरोपी ने बच्ची को टॉफी देने का झांसा देकर फैक्ट्री में ही उसके साथ दुष्कर्म किया था। यानी सोशल मीडिया पर किया जा रहा दावा गलत है। बच्ची से रेप का आरोपी नहीं अकरम खान है और न ही वो आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश मोहनिया का सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर है। आरोपी एक फैक्ट्री में काम करता था और उसका नाम दीपेश है।